सो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों का यहाँ फेयरवेल पार्टी है। हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं अपने सीनियर सर को फेयरवेल पार्टी देने के लिए, तो उसी का आज ब्लॉग रहेगा, तो पूरा बने रहिएगा वीडियो पे। आप देखिए हमारे साथी हैं, पूरा यहाँ पे डेकोरेशन अच्छी अच्छा डेकोरेशन किया और आपका प्रोग्रेस दिखाया जाएगा। बस आप यहाँ पे बने रहिए, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमारे बेटे हमारे सीनियर सर के वहां चुके हैं, तो आप लोग स्वागत करते रहिए। और हमारे जितने भी उम्मीद भाई सब के हमारे का पार्टी रजिस्ट्रेशन है कि सर को बैठने के लिए जगह दीजिए। जितने भी हमारे का पार्टी लोग हैं उनसे निवेदन है कि सर को बैठाइए, सभी दल को कुर्सी लेकर बैठाइए। अपने सभी सीनियर सर को सम्मान करेंगे। हमारे बीच हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बरौनी बेगूसराय के प्रिंसिपल सर और उनके सभी सहायक शिक्षक जी का आह्वान हो चुका है, तो सभी हमारे बैठक और सीनियर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को स्वागत कीजिए। सभी लोग सर को सम्मान करेंगे और हमारे जो मंच में थे उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज का।
एक को कहते हैं वेलकम पार्टी और दूसरे को कहते हैं फेयरवेल पार्टी। तो वेलकम पार्टी का जो वेलकम का जो ट्रेंड होता है किसी भी कॉलेज में, नॉट ओनली आई एम टेलिंग अबाउट दी जीपी बरौनी, हर कॉलेज में शायद यहाँ भी वही ट्रेंड रहा होगा, सीनियर जूनियर को वेलकम करते हैं, यही है ना जी। तो उसके एवज में स्वाभाविक है अगर आप हमको कहीं निमंत्रण दिए हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कभी मौके पे हम भी आपको खाने पीने के लिए निमंत्रण देंगे। तो उसके एवज में क्या होता है कि सीनियर को फेयरवेल देते हैं जूनियर। जहाँ मैं लेक्चरर था प्रोफेसर था, भिलाई की बात बता रहा हूँ, एक बैच में जूनियर ने फेयरवेल नहीं दिया सीनियर को, दियर वॉज 2004 भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ मैं प्रोफेसर था, ट्रिपली ब्रांड। मैं उसके कान गया, भाई क्या बात है, इस बैच में फेयरवेल नहीं हो रहा है। नहीं सर, हम लोगों का वेलकम सीनियर नहीं दिए थे इसलिए फेयरवेल नहीं दूंगा। अब सही है तो वहाँ मैं यहाँ पे मेरे गुरुजन आज जो बारिश हुई थी फूल और बारिश में ये तैयार हुआ था मगर ये लहजा बच्चा लग रहा हिंदी में भी बोलकर देखिए, हिंदी में भी बोलकर देखिए, सबको अच्छा ये लहजा सबको अच्छा, हिंदी में भी बोलकर देखिए, जना में भी बोलकर ये लहजा सबको अच्छा लगता, ये लहजा सबको अच्छा लगता है। तुझे कोई मॉम कहे, तुझे कोई मॉम कहे सुन ही लो तो भी सुन ही लो माता, तुझे कोई मॉम कहे, तुझे कोई मॉम कहे नहीं लोगी तो भी सुन ही लो, कोई माँ कहे तो और अच्छा, अगर कोई माँ कहे तो और अच्छा लगता, अगर कोई माँ कहे तो और अच्छा लगता है, तो और अच्छा लगता है। माँ उर्दू मौसी है तो उर्दू मौसी रिश्ते को मत तोड़ो, इस रिश्ते की राजनीति जो रंग पर आधारित जो राजनीति आप उसको मैं चुनौती देता हूँ कि माँ हिंदी, मैं चुनौती देता हूँ कि माँ हिंदी मौसी है तो उर्दू मौसी है, हरे को भूहट और लाल को सिंदूर कहो तो अच्छा लगता है। तुम कहते हो हिंदी मेरी कमजोर है, तुम कहते हो हिंदी मेरी कमजोर है, अरे फैशन छोड़ो हिंदी में बात करो तो अच्छा लगता है। जैसे झुक कराने बच्चे को सीने से लगाया जाता है,
जैसे चुप कराने बच्चे को सीने से लगाया जाता है, वैसे ही प्यार में रूठे को मनाया चुप कराने बच्चे को सीने से लगाया जाता है, वैसे ही प्यार में अब ये साला बैटरी को रूठे को मनाया जाता है। आज छल कपट ही पहचान हो गए मानव के, आज छल कपट ही पहचान हो गए मानव के। खाना खिलाने के लिए सभी को परोस दिया गया है और साथ में इनका जो लास्ट फेयरवेल के रूप में मिला है कुछ सिन्हानी के रूप में गिफ्ट, वो भी इनको दे दिया गया है। और इनके बाद जब खाना खाएंगे और उसके बाद फिर होगा बहुत ही धमाकेदार डांस। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तब तक हम देखते हैं। तुम जैसे उंगलियों का सहारा है दोस्तों।